दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि जो एरर आ रहा है वो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। तो 3 तारीख को एरर शुरू हुआ था और आज है 6 तारीख, 3 दिन हो चुके हैं और अभी आप देखेंगे कि वेबसाइट चल रही है। तो अब आप अपना पीएफ का सारा काम कर सकते हैं। ये वेबसाइट कब तक चलेगी वो पता नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर इस समय पर चल रही है। आपको चाहे फॉरगेट पासवर्ड करना हो, फॉर्म भरना हो, केवाईसी करना हो, नॉमिनी करना हो या हायर पेंशन के लिए अप्लाई करना हो, सारे काम अब आप कर सकते हो। तो जाइए, अपनी वेबसाइट को ओपन कीजिए और अपना काम कीजिए। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि अभी अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो फॉर्म नॉर्मल से ज़्यादा समय लगाएगा पास होने में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 3-4 दिन के लिए तो वेबसाइट बंद रही है, शनिवार रविवार वैसे ही छुट्टी रहती है, और जो पीएफ के फॉर्म होते हैं वो हर रोज़ भरे जाते हैं। जैसे आज के दिन मान लो 1 लाख फॉर्म भरे गए, फिर मंडे को 1 लाख फॉर्म भरे गए, तो इस तरह से 5-6 दिन के जब फॉर्म इकट्ठे हो गए तो वो वर्कलोड पीएफ ऑफिस में ज़्यादा हो जाएगा और फिर आपका अंडर प्रोसेस ज़्यादा समय के लिए रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना काम कीजिए। और ये छोटी सी वीडियो आपको अपडेट देने के लिए थी। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।